एक बार बड़ी विचित्र सी घटना घटी। महर्षि दुर्वासा आए किसी के भी घर पे जाकर पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? चतुर्मास के दिन के लिए मुझे कहीं रुकना है। दुर्वासा महान क्रोधी हैं, किंतु उनका क्रोध क्षणिक होता है। कितना बोल रही हो माताओं, शांति से बैठो ना, कथा पूरी कर दूं, फिर सुनो। महर्षि दुर्वासा द्वारका के दरवाजे दरवाजे पुकारने लगे, लोगों को कहने लगे कि मुझे चतुर्मास करना है, मैं किसके घर में रह के चतुर्मास करूं। दुर्वासा जैसे व्यक्ति 4 महीने अगर घर में रह जाए तो कौन झेलेगा? सब दूर दूर भाग गए। सबने देखा कि अगर सामने जाके कोई उनको कहेगा नहीं कि मेरे घर आओ, तो वो पता नहीं द्वारका को क्या शाप दे देंगे। तो भगवान द्वारकाधीश उनके सम्मुख गए और बोले, महर्षि आप मेरे घर में, मेरे आंगन में चतुर्मास कीजिए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और रुक्मणी जी की जिम्मेदारी लगाई कि वो चतुर्मास के दिनों में दुर्वासा जी को जो जरूरत है, उनकी क्या आवश्यकता कोई निश्चित नहीं, सारी रात जप करते बाहर रह जाएं, आधी रात को भोजन मांग लें और क्या वस्तु मांग लें, और वो अगर क्षणाद्र में अर्पित ना की जाए तो पता नहीं कितना कोप उनको आ जाए। महर्षि दुर्वासा जैसे व्यक्ति को 4 महीने रुक्मणी जी ने सेविकाओं से कार्य नहीं कराया, स्वयं उनकी सेवा में तत्पर रहे। कोई अवसर नहीं शिकायत करने का, कोई अवसर नहीं। रुक्मणी जी की सदाशयता देखिए जरा। और जब देखा देव महर्षि ने कि मैं मेरे लिए सब व्यवस्था, तो एक दिन उन्होंने विचित्र प्रस्ताव रख दिया। बोले, रुक्मणी अपने पति देव से कहो मुझे रथ पे लेके जाए, और रथ पे घोड़े नहीं जुतेंगे, तुम द्वारकाधीश दोनों घोड़ों की जगह जुत जाओ। रथ पर चढ़ के बैठ गए द्वारकाधीश और रुक्मिणी घोड़ों की जगह पर लगे। दुर्वासा रथ पर बैठे और कशाघात कर रहे हैं, बिना कारण ही कोड़े बरसा रहे हैं, और भगवान के श्री विग्रह पर, रुक्मणी जी के श्री विग्रह पर जो है वो लाशें उभर रही हैं, और पूरी द्वारका रो रही है और दुर्वासा जी की निंदा कर रही है कि ये साधु है कि राक्षस है, कहां कहां नहीं घुमाया चतुष्पथों में, जनता में, बाजारों में। और भगवान का धैर्य नहीं, रुक्मणी का धैर्य। भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखा, रुक्मणी ने मुस्कुरा के कहा, मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, चलो लौट के घर। और जैसे ही नीचे उतरे दुर्वासा जी, और दोनों के माथे पे हाथ रख दिया, एक क्षण नहीं लगा शरीर की लाशें जो थी वो सब गायब हो गई, दोनों के शरीर स्वस्थ हो गए। और इस घटना से हुआ क्या कि पूरी द्वारका में दुर्वासा जी के लिए जो सम्मान की भावना थी ना, वो लोगों के हृदय से चली गई, हृदय से चली गई। एक दिन क्या हुआ, आखिरी चतुर्मास का दिन आया तो रुक्मणी से कहा कि बहुत सारा खीर बनाओ, पर्याप्त खीर बनाओ, पायस। खीर बनाई रुक्मणी ने और उसमें से थोड़ा सा चखा दुर्वासा जी ने, और फिर कहा द्वारकाधीश को कि कृष्ण ये सारा पायस ले जाओ, सारी खीर ले जाओ, और इस पूरी खीर को अपने शरीर पे मलकर मेरे सामने आओ, निर्वस्त्र हो जाओ, अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, आभूषण छोड़ दो। रुक्मणी का हृदय व्याकुल होता कदाचित,
भगवान ने एक पल नहीं लगाया, सारे वस्त्र त्याग दिए, निर्वस्त्र होके पूरी खीर के प्रसाद को नख से शिख तक अपने पूरे शरीर पे मल लिया, लेकिन चरणों के तलों पे नहीं मला, ये सोच के कि महात्मा का प्रसाद पैरों के नीचे कैसे मल सकता हूं। सम्मुख आके खड़े हो गए, लेकिन निर्वस्त्र और खीर से पुते हुए द्वारकाधीश को रुक्मणी ने देखा तो उनको हंसी आ गई। दुर्वासा बोले, देवी अपने पति के ऊपर हंस रही हो या मेरे प्रसाद को देख के हंस रही हो? तुम्हें वियोग होगा द्वारकाधीश का। ये सुनते ही रुक्मणी अचेत होकर गिर गई और भगवान ने कहा, महर्षि वो आपके दिए प्रसाद पे नहीं हंस रही थी, मुझे निर्वस्त्र देख के उन्हें हंसी आ गई। वो आपके आपकी अवज्ञा कैसे कर सकती है? तो द्वारकाधीश, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है ना कि मैंने जिसको भी कभी शापित किया उसका कभी अमंगल नहीं हुआ। जिसको भी मैंने शाप दिया वो चरणों में ही पहुंचा भगवान के। मैंने अपना प्रसाद तुम्हें दिया, तुम्हारा सारा शरीर वज्रवत हो गया, संसार का कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर के ऊपर आघात नहीं कर सकता। अब पैरों के तलवे कदाचित जो होगा सो तो निश्चित ही है, और तुम संभालो अपनी पत्नी को और उसे बता देना कि अगर वो चेसा स्वेच्छा से वियोग झेलना चाहती है तो मात्र एक साल, और विवश होकर झेलेगी तो 12 साल तुमसे वियुक्त रहेगी।